Hello everybody, good afternoon and welcome to the session. Good afternoon everybody on YouTube as well as on app. Please join me quickly, jaldi jaldi se mujhe join kare and bata de that you people are here. Good afternoon Sonal and good afternoon Kamala, good afternoon Chinmay. So very welcome everybody, good afternoon jury. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दें फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि वी वी पी इज एब्सोल्यूटली फाइन, यू ऑल कैन सी मी, यू ऑल कैन हियर मी एंड द पी पी टी एज वेल. गुड आफ्टरनून लक्ष्मी, सैयदा, श्रेया, संगीता, पद्मिनी, एवरीबॉडी, अंजलि, वेरी गुड आफ्टरनून. आई एम एब्सोल्यूटली फाइन, आई होप यू पीपल आर गुड टू. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड, दैट इज द मेजरमेंट स्केल्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर एक सेशन लेने के लिए. सो हियर टुडे आई एम विद द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो. उससे पहले मुझे एवरीबॉडी कन्फर्म अबाउट द वी वी पी सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन क्विकली. All perfect? Okay. Yes, good afternoon everybody on app as well. So talking about this particular session, आज के session में हम measurement scales पढ़ने वाले हैं as well as the attitudinal scale. We are going to see the variables scale, like you have nominal scale, ordinal scale, ratio scale and the interval scale. काफी सारे questions आपके from paper one as from paper two, दोनों से आपके measurement scales के ऊपर काफी सारे questions आते हैं. And talking about attitudinal scale, we'll be talking about Thurston scale, Gutman scale and Likert scale. So this session is going to be thoroughly useful. Please share this session with your friends so that they also can join us. And also please like the session if you are interested and if you are liking this session. Also please mark your attendance by hitting the like button. And yes, in the end we will be seeing few of the questions from these nominal scale, attitudinal scale. Kuch questions bhi hum practice karenge so that we have the complete concept clarity. Let's get started. Let's talk about the measurement scale without wasting any further time. So aaj ke session mein hum jo baat karenge, first the topic that we will be taking is the scales of measurement. एज अ रिसर्चर आपको अपनी स्केल ऑफ मेजरमेंट डिसाइड करना होता है कि आप किस स्केल से अपने वेरिएबल्स को मेजर करने जा रहे हो. क्या आप नॉमिनल स्केल यूज करोगे, क्या आप ऑर्डिनल स्केल यूज करोगे, इंटरवल स्केल करोगे या रेशियो स्केल यूज करोगे. सो मेनी अ टाइम्स डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग के ऊपर, इनके ऊपर हमने क्वेश्चंस देखे हुए हैं एंड पर्टिकुलरली जून बैच में भी नॉमिनल ऑर्डिनल के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस अभी तक के एग्जाम्स में आ चुके हैं. So you all know that this is very very important and few of the students get confused as well, as ये थोड़ा confusing topic भी होता है. So let's understand nominal, ordinal, interval and your ratio scale concepts है क्या. So here's the first thing, measurement of the variables. Variables को हम चार तरह के, four types of scale से measure कर सकते हैं. एंड स्टीवेंस के अनुसार ये जो चार प्रकार की स्केल होती हैं कुछ यूं है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड द रेशियो स्केल. वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ये स्केल्स कुछ इस तरह से ऑर्डर में होती हैं. सबसे लोएस्ट ऑर्डर की स्केल होती है नॉमिनल स्केल, देन यू हैव ऑर्डिनल स्केल, देन यू हैव द इंटरवल स्केल एंड देन यू हैव द रेशियो स्केल. सो एक एक करके ये सबसे लोएस्ट से सबसे हाइएस्ट तक हम जाएंगे. नॉमिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऊपर प्रेजेंट होने वाली स्केल में प्रेजेंट होंगी, प्लस उसके अंदर एक और खुद की कैरेक्टरिस्टिक होगी. सिमिलरली जब आप इंटरवल स्केल में जाओगे तो इंटरवल में नॉमिनल और ऑर्डिनल की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी, प्लस इसके पास खुद की भी कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी. सो ये इंटर रिलेटेड होते हैं, या आप कह सकते हो कि एक एक सक्सीडिंग स्केल के अंदर प्रिसीडिंग स्केल्स की सारे क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड ये नॉमिनल स्केल क्या होती है. एज अ रिसर्चर अगर आप बोलते हो कि मैं अपनी वेरिएबल्स को किस तरह से मेजर करूंगा, नॉमिनल स्केल के द्वारा मेजर करूंगा. तो नॉमिनल स्केल का मतलब क्या हो गया. नॉमिनल स्केल का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी वेरिएबल्स को नेम दे सकते हो, आप सिर्फ अपनी वेरिएबल्स को कैटेगरीज में पुट कर सकते हो, या यू कैन नेम देम, दैट्स इट. आप कुछ उन पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप उनका मीन, मोड, मीडियन नहीं निकाल सकते. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वेरिएबल्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो एंड यू कैन नेम देम. लाइक आप उनको नेम कर सकते हो मेल एंड फीमेल, यू कैन नेम देम एज
the category that belongs to boys, that category that belongs to girls on the basis of the player numbers. जो player के number होते हैं, player jersey number 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर हम सिर्फ naming कर सकते हैं. जैसे school में हमारे role numbers होते थे. Role number का मतलब है हमारा, हमें उस role number से पहचाना जाता था. All these are the nominal scale. Nominal scale में we recognize the variable. It is a naming scale where variables are simply named or labeled with no specific order. इसमें कोई order नहीं होता है. अगर हम अपने रोल नंबर की बात करें, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 1 सबसे लोएस्ट परफॉर्मर है क्लास में और रोल नंबर 3 सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर, ऐसा नहीं होता है. सिमिलरली अगर हम प्लेयर के टी शर्ट्स की बात करें, आपने प्लेयर के टी शर्ट के पीछे उनके जर्सी नंबर्स देखे हैं, द प्लेयर नेम्ड एज 1, प्लेयर नेम्ड एज 2, प्लेयर नेम्ड एज 3, 7. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्लेयर नंबर 7 सबसे अच्छा है या प्लेयर नंबर 11 सबसे अच्छा है, प्लेयर नंबर 1 सबसे लोएस्ट. इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, सिर्फ इनका नेम पुट अप किया जाता है. तो नॉमिनल स्केल में देयर इज ओनली नेम गिवन, नो स्पेसिफिक ऑर्डर इज देयर. वेरिएबल में हैव 1, 2 और मोर सब कैटेगरीज अपॉन द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन. मतलब हमारे पास कई सारे सब कैटेगरीज हो सकती हैं, 1, 2, 3 सब कैटेगरीज हो सकती हैं. जैसे मेल एंड फीमेल के अंदर वी कैन हैव प्लस 18 वाले फीमेल्स एंड बिलो 18 वाले फीमेल्स. सो वी कैन हैव सब कैटेगरीज, लेकिन इस स्केल में हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को नेम करते हैं. अब अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि नॉमिनल स्केल क्या होती है, सो यस, रिच पुअर हो सकता है. सो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं नॉमिनल स्केल एक्चुअली दिखती कैसी है. सो दिस इज योर नॉमिनल स्केल. वॉट इज योर जेंडर, वॉट इज योर हेयर कलर, ये सारे नॉमिनल स्केल के एग्जाम्पल्स हैं. जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा मेजर करते हो नॉमिनल स्केल पे, तो कुछ इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछते हो अपने अपने सब्जेक्ट से. जैसे कि जेंडर के बारे में पूछोगे, आप हेयर कलर के बारे में पूछोगे. तो यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आप नहीं दे रहे हो कि मेल छोटा रहेगा फिर फीमेल उससे ज़्यादा है, या फीमेल कम है मेल उससे ज़्यादा है. देर इज़ नो स्पेसिफिक ऑर्डर गिवन. नाइदर हेयर कलर में भी आप ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दे सकते हो कि 1 मतलब सबसे ब्राउन सबसे डार्केस्ट शेड है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद ब्लॉन्ड है, उसके बाद ग्रे है. ऐसा यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, सिर्फ नेम दिया गया है. तो नॉमिनल स्केल इज वॉट, नॉमिनल स्केल इज अ नेमिंग वेरिएबल, नेमिंग स्केल. ऑल क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट? यस, एब्सोल्यूटली. सो एनी डाउट एनीबॉडी on YouTube as well as on app, please मुझे confirm करें. Yes, everybody clear? Okay, ठीक है. So let's, yes Arshi, exactly. Now the next scale, we have the ranking scale, जिसको हम ordinal या ranking scale बोलते हैं. तो ranking scale, मैंने आपको भी बताया कि जब आप अगली scale पे पहुंचोगे, nominal मतलब सिर्फ name देना, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता है आपकी वेरिएबल्स में, यहाँ पे सिर्फ हम नाम देते हैं. तो अगली स्केल में जब आप पहुंचोगे, जो आपकी ऑर्डिनल स्केल है, सो यहाँ पर हर वेरिएबल के नाम के साथ साथ उनका कुछ ऑर्डर भी होगा, उनकी कुछ रैंक भी होगी. ठीक है, सो उनके नाम के साथ कुछ ऑर्डर होगा. लाइक मैं अगर आप बात करूं, द विनर, द वन हु गॉट फर्स्ट, देन देयर इज अ सेकेंड रनर अप, देयर इज फर्स्ट रनर अप एंड द सेकेंड रनर अप, या फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन. सो ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को सिर्फ नाम के लिए 1, 2, 3 कर रहे हैं, बट इनके ऑर्डर भी होते हैं. फर्स्ट वाला सबसे अच्छा परफॉर्मर है, सेकेंड वाला उससे कम, और थर्ड वाला उससे कम. तो जैसे अगर मैं बात करूं क्लास में, राम गॉट फर्स्ट पोजिशन, देन श्याम गॉट सेकेंड पोजिशन, एंड लेट्स से ऋषि गॉट थर्ड पोजिशन. सो नाउ दीज आर वॉट, दीज आर नॉट देयर नेम्स. ये सिर्फ नाम नहीं है कि राम का नाम रोल नंबर है 1, श्याम का रोल नंबर है 2, या ऋषि का रोल नंबर है 3. नहीं, यहाँ पर एक ऑर्डर है कि राम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, श्याम ने उससे कम परफॉर्म किया है, एंड ऋषि ने उससे कम परफॉर्म किया है. तो ये ऑर्डिनल स्केल होती है. ऑर्डिनल स्केल में हम वेरिएबल्स को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बियॉन्ड जस्ट नेमिंग देम.
इट रैंक्स द सब ग्रुप्स, हम रैंक करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन में हमें मार्क्स दिए जाते हैं, परसेंटेजेस होते हैं, एवरेज जैसे कैटेगरीज लाइक अबव एवरेज, बिलो एवरेज, सो ये सारे आपके ऑर्डिनल स्केल के एग्जाम्पल्स होते हैं. ऑर्डिनल स्केल लाइक मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है, लाइक मैं पूछ सकती हूँ कि आपको, आप किस तरह से इस पर्टिकुलर हमारे जेस्चर को या पर्टिकुलर होटल को आप रेट करोगे, अबव एवरेज, बिलो एवरेज. तो यहाँ पर ऑर्डर है, हर एक वेरिएबल में ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के कैटेगरी में आप रख सकते हो. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नहीं है कि मैंने सिर्फ नेम दे दिया है, बट मैं यहाँ पर ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो नॉमिनल स्केल सिर्फ नेमिंग होता है, ऑर्डिनल स्केल में वी गिव और वी असाइन ऑर्डर्स एज वेल. क्लियर एवरीबॉडी? अनदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑर्डिनल इज डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि जिस स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक मिली है और जिस स्टूडेंट को सेकेंड रैंक मिली है, उनके बीच में जो अंतर है वही अंतर सेकेंड और थर्ड रैंक वालों के बीच में भी होगा. देर इज नो पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड एज वेल एज सेकेंड एंड थर्ड. एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि राम को 99 मार्क्स मिले हैं, श्याम गॉट 98 मार्क्स, वेयर एज ऋषि गॉट 94 मार्क्स. So here the difference between Ram and Shyam is just one, whereas Shyam and Rishi is 4 marks. So इनके बीच में कोई fixed interval नहीं होता है, and this is another distinguishing characteristic of your ordinal scale. Ordinal scale में नाम होता है, order होता है, लेकिन fixed interval नहीं होता है. And the third scale that we have is your interval scale. Interval scale has all the characteristics of your ordinal scale. Interval scale में सारी characteristics होती हैं ordinal scale की. Only thing is that we have a fixed starting and fixed ending point. Means interval scale में values के बीच में fixed interval होता है. We have a fixed interval between the values. जैसे मैं बोलूं कि 1 kg, 10 kg. देन अगली वाली जो वैल्यू होगी वो होगी 20 kg, बिकॉज देयर विल बी अ फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन द वैल्यूज. तो इंटरवल स्केल, और अभी आप जब और पढ़ोगे रेशियो स्केल, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में या कंटिन्यूअस डेटा के लिए इस्तेमाल होता है. वी यूज दिस फॉर कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है. कंटिन्यूअस डेटा मीन्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. सो देयर इज अ कंटिन्यूअस डेटा दैट वी यूज, फॉर विच वी यूज इंटरवल स्केल एज वेल एज योर रेशियो स्केल. तो मुझे बताते जाएंगे, पूछते भी जाएंगे इफ यू हैव एनी डाउट इन बिटवीन इंटरवल स्केल क्या है. सारी कैरेक्टरिस्टिक होगी इसके अंदर ऑफ योर ऑर्डिनल स्केल. जस्ट वन मोर कैरेक्टरिस्टिक इज एडेड कि फिक्स्ड इंटरवल होता है, द फिक्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है. इंटरवल इनके बीच में सेम होता है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? अच्छा, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वन इंपॉर्टेंट थिंग रेशियो स्केल में जो नोट करने की है वो ये नोट करने की है कि रेशियो स्केल डू नॉट हैव अ मीनिंगफुल जीरो पॉइंट. रेशियो स्केल में मीनिंगफुल जीरो पॉइंट नहीं होता है. मींस मीनिंगफुल जीरो पॉइंट का मतलब है, जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है इंटरवल स्केल में. जैसे अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टेम्परेचर नहीं है इस पर्टिकुलर 0 डिग्री पे. कोई टेम्परेचर नहीं है, कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. बट एक्चुअल में टेम्परेचर है जिसको हम जीरो नाम से जानते हैं. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ड्रेस साइज है 0, सो 0 साइज का मतलब ये नहीं है कि इस साइज पे कोई ड्रेस नहीं है. 0 साइज का मतलब है कि एक ड्रेस का साइज है जिसको हम 0 नाम से जानते हैं. 0 साइज मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनका जो ड्रेस साइज होता है वो होता है साइज 0. सो इंटरवल स्केल ये वेरिएबल्स को लेबल भी करता है, ऑर्डर भी होता है, एज वेल एज इनके बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल होता है. हर वेरिएबल के बीच में फिक्स्ड इंटरवल होगा एंड इसमें मीनिंगफुल जीरो पॉइंट नहीं होता है. यू कैन से इट हैज अ मीनिंगलेस जीरो पॉइंट. जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है इंटरवल स्केल में. सो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट एवरीबॉडी टू लेट मी नो कि इट इज क्लियर. सभी को क्लियर हो गया है इंटरवल स्केल विदाउट एनी फेल? एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क.
इंटरवल स्केल की एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको बताना है आप कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हो, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, वेरी सेटिस्फाइड। 0 मतलब है वेरी अनसैटिस्फाइड। तो 0 का मतलब यहां पर क्या हुआ, वेरी अनसैटिस्फाइड। ऐसा नहीं कि 0 मतलब कुछ मिला ही नहीं, ना सैटिस्फैक्शन ना डिससैटिस्फैक्शन। 0 का मतलब है आपको डिससैटिस्फैक्शन मिला, डिससैटिस्फैक्शन को आप 0 नाम से बोल रहे हो। तो इंटरवल स्केल में आपके पास एक फिक्स्ड इंटरवल होगा, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल होगा, प्लस यू हैव अ ऑर्डर, एक ऑर्डर है। 0 मतलब सबसे कम, 1 उससे ज्यादा, 2 उससे ज्यादा, 3 उससे ज्यादा, 4 सबसे ज्यादा। एक ऑर्डर भी है, नाम भी है, फिक्स्ड इंटरवल है। और 0 का मतलब यहाँ पर 0 नहीं है, 0 का कुछ और मतलब है। दिस इज योर इंटरवल स्केल। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ योर इंटरवल स्केल। थोड़ा सा ब्लर्ड है ये, आई गेस आप देख सकते हो। स्केल विथ वैल्यूज एंड देर इज सेम न्यूमेरिकल डिस्टेंस बिटवीन ईच वैल्यू। जब दो वैल्यूज के बीच में सेम डिस्टेंस होगा, ये आपकी इंटरवल स्केल कहलाती है। बस यहाँ पर आर्बिट्ररी 0 पॉइंट होता है। आर्बिट्ररी मतलब नो ट्रू मीनिंगफुल 0 पॉइंट। इनके बीच में जो 0 पॉइंट होता है वो ट्रू नहीं होता है। एग्जाम्पल है, हाउ अपीलिंग द सीरियल बॉक्स इज टू द चिल्ड्रन। मैंने एक, जैसे आपके पास कॉर्नफ्लेक्स होता है ना, तो मैंने कोई कॉर्नफ्लेक्स बनाया है, मेरी कंपनी है, कॉर्नफ्लेक्स बनाया हुआ है उसने, और वो ये जानना चाह रही है कि ये कितना ज्यादा अपीलिंग है, बच्चे कितना इसको पसंद कर रहे हैं। और मैंने इसके लिए रेटिंग स्केल रखी है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 3 मतलब वेरी वेरी अपीलिंग, और ये है नॉट एट ऑल। अब रिसर्चर ने 0 का मतलब रखा होगा कि बच्चे बिल्कुल पसंद, बच्चे नहीं लाइक कर रहे हैं, तो बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं, नॉट अपीलिंग। तो यहां पर क्या है, 0 का मतलब कुछ है। दिस इज योर इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल का करंट टेम्परेचर भी एग्जाम्पल होता है। अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर किस स्केल से मेजर करोगे, 0 स्केल से मेजर करोगे, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट मुझे जल्दी से बताएंगे, देन वी विल मूव अहेड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर इंटरवल स्केल इज कि हाउ लाइकली यू वुड रिकमेंड दिस कंपनी टू योर फ्रेंड और कलीग। आप अपने कलीग को, अपने फ्रेंड को इस कंपनी के बारे में रिकमेंडेशन, जैसे हम यूज करते हैं ना कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज किया, स्विगी यूज किया फॉर एग्जाम्पल, तो स्विगी में भी हमें इस तरह से आता है कि कितना चांस है कि, या आप कितना लाइकलीनेस है कि इस कंपनी को, इस पर्टिकुलर ऐप को बाकी फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड करोगे। उसने आपको 0 से 10 तक की स्केल दे दी। 0 का मतलब है बिल्कुल रिकमेंड नहीं करोगे, 10 का मतलब है कि रिकमेंड करोगे श्योरली। So, यहां 0 का मतलब क्या था, 0 का मतलब 0 नहीं था, 0 का मतलब कुछ है। देर इज अ वैल्यू बिहाइंड 0, देर इज अ मीनिंग बिहाइंड 0, ठीक है। सो ऑल क्लियर एवरीबॉडी। नहीं, एज ग्रुप को कैटेगरी करना नहीं होगा इंटरवल, ओके। नेक्स्ट, कौन सा स्केल कहाँ यूज होता है, ये सारे मेजरिंग स्केल्स हैं एज पर योर रिसर्च एम। अब आपका क्या रिसर्च एम है, आप किस तरह की रिसर्च करने जा रहे हो, ठीक है, उस रिसर्च के बेसिस पे। हाँ जी बिल्कुल, कौन सा वेरिएबल स्केल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल स्केल। ये सारे वेरिएबल स्केल्स हैं, इसके बारे में हम आंसर करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्बिट्ररी 0, एग्जैक्टली। सो मुझे कुछ कॉमेंट्स यूट्यूब पे देर से मिले हैं, सो मैं रुकूंगी और पहले कॉमेंट्स को ले लूंगी, देन वी विल सी, ठीक है, वी विल सी द रेशियो स्केल लेटर ऑन। अच्छा, सबसे पहला डाउट है डिस्टेंस इज और डिफरेंस इज नॉट सेम। यस, ऑर्डिनल स्केल में डिस्टेंस सेम नहीं होता है। सो वंस अगेन हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहला हमारा नॉमिनल स्केल था, जो कि एक नेमिंग स्केल है। यहाँ पर हमारी वेरिएबल सिर्फ नेम होती हैं। तो आपने देखा होगा कि एज अ रिसर्चर आपसे सर्वे पूछे जाते हैं, सर्वे में क्वेश्चंस होते हैं। लाइक रिसेंटली मुझे KFC का सर्वे आया था, तो KFC में सबसे पहले पूछा गया था कि पर्टिकुलर जेंडर के बारे में। ये जो जेंडर मेजर हो रहा है, ये किस स्केल पे हो रहा है, नॉमिनल स्केल में। जेंडर में हम ऑर्डर असाइन नहीं कर सकते, मतलब आप ऑर्डर असाइन नहीं कर रहे हो, आप ऑर्डिनल पे नहीं जा रहे हो, सिर्फ नाम दे रहे हो नॉमिनल स्केल। वेयर एज जब आप नाम के साथ साथ ऑर्डर भी दे सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैटेगराइज कर सकते हो, ये है ऑर्डिनल स्केल। लाइक ऐसे बोला जाए कि आप
इस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को से कितना ज्यादा खुश हो. तो मैंने ऐसे बोला बिलो एवरेज, या प्रोडक्ट आपको कैसे लगा, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज. ये है ऑर्डिनल स्केल आपकी. ऑर्डिनल स्केल मतलब बिलो एवरेज, अबव एवरेज एंड एवरेज. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, नाम के साथ साथ हम ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. बिलो एवरेज मतलब एवरेज से कम, अबव एवरेज एंड एवरेज. तो आप इसको दे सकते हो कि 40% या 50% तक लग रहा है ये प्रोडक्ट अच्छा, 40 से कम, 40 से ज्यादा. ठीक है, सो ये ऑर्डिनल स्केल हो गया. वेयर एज यू हैव योर इंटरवल स्केल. इंटरवल में आपके पास एक फिक्स स्टार्टिंग, सॉरी, आपके पास नेम भी होता है, ऑर्डर भी होता है, डिस्टेंस सेम होता है. मतलब इनके बीच में ना जो इंटरवल होगा वो सेम होगा. जैसे अगर मैं रैंक की बात करूं, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक वाले के बीच में जो इंटरवल है वो सेम नहीं होता. वेयर एज इन योर इंटरवल स्केल द डिस्टेंस विल बी सेम. ऐसा नहीं है कि इसके बीच में एक मार्क्स का या एक नंबर का अंतर है तो इसके बीच में दो नंबर का अंतर होगा, इसके बीच में तीन नंबर का अंतर होगा. नहीं, इंटरवल स्केल में सारे जो अंतर होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर रेशियो स्केल. बिफोर दैट, यस, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर इंटरवल स्केल इज कि यहाँ पर आर्बिट्ररी जीरो पॉइंट होता है. आर्बिट्ररी जीरो पॉइंट मीन्स जीरो का कुछ मतलब होता है, जीरो का मतलब एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है. ठीक है, हाँ जी. अभी अभी एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल is not a variable scale among them, nominal, interval, ratio, ordinal. I think Yunus, आप question को थोड़ा सा confuse कर रहे हैं, because ये सारे आपके variable scales ही हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं. Nominal, interval, ratio and ordinal scale, all these are the variable scale. So maybe there is something in the question that you have missed out. एक बार खुद फिर से याद करें question को. Next हम देखेंगे अनुपात scale, ratio scale क्या होता है. रेशियो स्केल के अंदर इंटरवल स्केल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज जीरो मींस जीरो. जीरो का मतलब जीरो होता है. अगर मैं बोलूं मेरे जीरो मार्क्स आए हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ मार्क्स आया है जिसको मैं जीरो नाम से जान रही हूं. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं एज जीरो है या डिस्टेंस इस कार ने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ऐसा नहीं है कि जीरो डिस्टेंस के पीछे कोई डिस्टेंस है जिसको मैं जीरो नाम से जान रही हूँ. जीरो का मतलब है कुछ भी, एक भी इंच वो अपनी प्लेस से नहीं हिला है. ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, आपके मार्क्स हो गए, एज हो गया, ये सारा रेशियो स्केल के अंदर आता है. ठीक है, यस, ऑल दीज बेसिकली रेशियो स्केल में ऑल दीज थिंग्स लाइक यू हैव योर मार्क्स, यू हैव योर एज, यू हैव वेट, यू हैव द हाइट, यू हैव डिस्टेंस, ये सारी चीजें आर मेजर्ड बाय योर रेशियो स्केल. गॉट इट ऑल ऑफ यू. रेशियो स्केल कंबाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल. इन एडिशन इट हैज अ प्रॉपर्टी. रेशियो स्केल कंसिस्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस, मतलब इंटरवल होता है विथ अ मीनिंगफुल जीरो पॉइंट, मीन्स जीरो मीन्स जीरो ओवर हियर. ठीक है, सो हाँ जी बिल्कुल, दिस इज योर फर्स्ट पेपर. परसेंटाइल में कौन सा स्केल यूज होगा, तो वेरी सिंपल दिस इज, अभी हम देखेंगे उसको आगे चल के. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट मींस जीरो डजंट एग्जिस्ट, व्हेन इट मींस जीरो डजंट एग्जिस्ट, दैट इज इन योर इंटरवल स्केल. रेशियो स्केल में जीरो का मतलब जीरो होता है. आई गेस अब आपको समझ में आ गया है. हैव अ लुक एट द रेशियो स्केल्स एग्जाम्पल. Please circle the number of children under 18 years of age currently living in your household. Question आया आपके पास, क्वेश्चन आपके पास आया कि ये बताएं आपके घर में कितने लोग हैं जो 18 साल से कम के हैं. तो वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि 0 का मतलब है 0. 0 का मतलब है कि भाई दो बच्चे रहते हैं. जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, 0 डिग्री का मतलब है बहुत ठंडा, वेरी कोल्ड. इसी तरह से मैं बात करूं कि जीरो नॉट सैटिस्फाइड, तो जीरो का यहाँ कोई मतलब नहीं है. जीरो का मतलब जीरो है. तो जब हम ऐसी स्केल को यूज करेंगे जहां पे जीरो का मतलब जीरो है, दैट इज योर रेशियो स्केल. जब हम ऐसी स्केल का यूज करेंगे जहां जीरो का कुछ मतलब है, दैट इज योर इंटरवल स्केल. अभी सभी को क्लियर हो गया,
बताएं. यस, सो डू लेट मी नो इफ इट इज वेरी वेरी क्लियर. ऑर्डिनल, रेशियो, सारे स्केल्स बिल्कुल क्लियर हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे जल्दी से पूछें. ये रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन नॉट मिस दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक माई पिक्चर इज हाइडिंग फ्यू थिंग्स, सो हैव अ लुक एट दिस पिक्चर एंड डू लेट मी नो इफ ऑल दीज फोर स्केल्स आर सुपर क्लियर एवरीबॉडी. All clear, very good. Now few things. Like अभी किसी ने पूछा कि हम percentile किसमें calculate करेंगे, वो हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है? So पहले कुछ important pictures और हैं. Let's do that. Scales of measurement. Nominal scale में आप क्या क्या कर सकते हो? Label कर सकते हैं. Order दे सकते हैं? नहीं. Difference measure कर सकते हो? नहीं. क्या आप ये measure कर सकते हो कि true starting point क्या है, जीरो से शुरू हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, हम नॉमिनल स्केल में कुछ भी नहीं कर सकते. वी कैन ओनली जस्ट लेबल देम, ठीक है? वेयर एज रेशियो एंड इंटरवल स्केल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंटरवल स्केल में जीरो पॉइंट नहीं होता है, जीरो मीनिंगफुल पॉइंट नहीं होता है, जीरो के पीछे कुछ मतलब होता है, जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है यहां पर. वेयर एज यहां पर फिक्स्ड जीरो पॉइंट होता है, यहां आर्बिट्रेरी जीरो पॉइंट होता है. वेयर एज हियर यू हैव अ फिक्स जीरो पॉइंट. जीरो पॉइंट मीन्स जीरो. अगर मैं बोलूं मेरी एज जीरो है, मतलब इस बच्चे की एज कुछ भी नहीं है, ये अभी 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 बॉर्न हुआ है. इसी तरह से मैं बोलूं मेरे मार्क्स जीरो आए हैं, तो इसका मतलब है मुझे जीरो मिला है, कोई भी मार्क्स नहीं मिला है, ठीक है? ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल में आप लेबल कर सकते हो और ऑर्डर में अपने वैल्यूज को मिस कर सकते हो. यू कैन नॉट मेजर द डिफरेंस एंड यू कैन, देयर इज नो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट. इंटरवल स्केल में लेबल भी कर सकते हो, ऑर्डर भी होता है, डिफरेंस भी होता है फिक्स्ड, बट आपका ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है. वेयर एज रेशियो स्केल में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, नो इशू इफ यू हैव मिस द क्लास. इफ यू पीपल हैव मिस द क्लास, प्लीज आप एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे. एंड क्लास का टाइम हमेशा की तरह 12 बजे ही फिक्स रहता है. क्लास के टाइम्स मंडे टू फ्राइडे इज एब्सोल्यूटली फिक्स्ड. एंड मेरी जो क्लासेस हैं वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एट 12 PM. सो डोंट फॉरगेट द टाइमिंग्स फ्रॉम नाउ. एंड जो जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है, मे बी दे आर हैविंग कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है? नाउ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. नॉमिनल स्केल क्या है जो कैटेगराइज करे? मैं हर एक बच्चों की जो एज है वो जीरो, बच्चे की अगर एज जीरो है तो ये कौन सा है? जीरो मतलब कुछ नहीं है उसकी एज. ऐसा नहीं है कि जीरो के पीछे कोई एज है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. जीरो मतलब जीरो होता है. जीरो का मतलब जीरो सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल में हो सकता है. सो ऑल द पॉसिबल वेज में सारे स्केल्स को आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं. प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन, सब समझ में आ जाएगा, डू नॉट वरी. नॉमिनल स्केल क्या है जो कैटेगराइज करे? ऑर्डिनल स्केल क्या है जो रैंक करे एज वेल एज नाम भी दे, ठीक? इंटरवल स्केल क्या है जो नाम भी दे, ऑर्डर भी हो और इसके बीच में फिक्स्ड इंटरवल हो. रेशियो स्केल क्या है? रेशियो स्केल है जिसमें नाम भी हो, ऑर्डर भी हो, फिक्स्ड इंटरवल भी हो, जीरो पॉइंट भी हो. अब इसमें क्या आपको नहीं समझ में आया? आई गेस उन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है. दोज हु हैव जॉइंड लेट, प्लीज ट्राई टू अटेंड द लेक्चर फ्रॉम द बिगनिंग. मैं बार रिपीट नहीं कर सकती बिकॉज वी हैव कवर्ड अ लॉट, उसको रिपीट नहीं कर पाऊंगी. आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस टेबल, दिस चार्ट. इस चार्ट को मिस नहीं करें, ठीक है? नॉमिनल स्केल में आप सिर्फ वेरिएबल्स को नाम दे सकते हो, कैटेगरीज दे सकते हो. लाइक नंबर्स असाइंड टू रनर्स इन रेस, 1, 2, 3, 4, वही रोल नंबर हो गया आपका, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर. ये सारे एग्जांपल्स होते हैं नॉमिनल स्केल के. किस तरह के डेटा आप यूज करते हो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल में, वो है डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट डेटा आई गेस आप सबको पता है, द वेरिएबल्स एंड द फ्रीक्वेंसी.
सो डिस्क्रीट डेटा का इस्तेमाल होता है इन योर नॉमिनल स्केल एंड योर ऑर्डिनल स्केल. वेयर एज इंटरवल स्केल में आप कंटिन्यूअस डेटा का इस्तेमाल करते हो. कंटिन्यूअस मीन्स जो जिसका फिक्स स्टार्टिंग और फिक्स एंडिंग पॉइंट हो. जैसे मैं 0 to 10, 10 to 20, तो these are your continuous data. तो continuous data आप इस्तेमाल करते हो interval scale and ratio scale में, whereas you use the discrete data in nominal and ordinal scale. Interval scale में data are arranged in order. Data के बीच में fixed interval होता है, but no starting point. No starting point मतलब एक fixed zero point नहीं होता है. Zero का मतलब कोई zero नहीं होता है. Zero के पीछे भी कुछ मतलब होता है. नाउ किस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप इन स्केल्स में. सो मैं थोड़ा सा ज़ूम कर देती हूँ. किस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप काउंट कर सकते हो नॉमिनल स्केल को, या परसेंटेज निकाल सकते हो. परसेंटेज मतलब परसेंटेज ऑफ मेल, परसेंटेज ऑफ फीमेल. मेल और फीमेल कैटेगरी में अरेंज करके आपने परसेंटेज मेल परसेंटेज फीमेल कर लिया, दैट्स इट. ऑर्डिनल स्केल में भी आप ऑर्डर दे सकते हो और परसेंटेज निकाल सकते हो. ठीक है, सो अब बताएं परसेंटाइल किस में आएगा. परसेंटाइल विल कम इन योर ऑर्डिनल स्केल, क्योंकि परसेंटाइल में आप ऑर्डर भी अरेंज करते हो और परसेंटेज भी निकालते हो. ये भी बताते हो कितने बच्चे आपसे आगे हैं, कितने बच्चे आपके पीछे हैं. तो ऑर्डिनल स्केल से आप परसेंटाइल निकाल सकते हैं. यहां तक सभी को क्लियर हो गया? वेरी क्विकली बताएं मुझे. ठीक है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, जिसमें आपके आइटम्स होते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. कंटिन्यूअस क्या होता है, जहां पर क्लास इंटरवल वाले आइटम्स होते हैं. ठीक है, ओके. अब हम चलेंगे इंटरवल स्केल को देखेंगे. तो इंटरवल स्केल में डेटा ऑर्डर में अरेंज होते हैं. एग्जाम्पल्स हैं इंटरवल स्केल की टेम्परेचर्स. ठीक है, टेम्परेचर जैसे 200 degree Fahrenheit, 300 degree Fahrenheit. तो ये इसमें आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो. अब बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक रीजन है कि आप इंटरवल स्केल में मल्टीप्लिकेशन डिविजन क्यों नहीं कर सकते. अच्छा, आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, 0 multiplied by 9 क्या होगा, और इसी तरह से 0 divided by 9 का आंसर क्या होगा. बताएं, इतनी मैथ्स तो हमारी बहुत अच्छी है, इतनी मैथ्स तो हमें सबको आती है. So, क्या होगा 0 multiplied by 9 and 0 divided by 9, इसका एक आंसर मुझे जल्दी से बताएं. वेरी वेरी गुड. 0 multiplied by 0 is 0 and 0 divided by 9. नहीं जी नहीं, 0 divided by 0 is infinite. ठीक है, सो अब मुझे बताएं इंटरवल स्केल में जीरो का मतलब जीरो होता है. जैसे मैं जीरो का मतलब बोलूं कि अगर जीरो साइज है, जीरो साइज का मतलब है न्यू बॉर्न बेबी का ड्रेस, तो जीरो का कुछ मतलब है. अगर आप जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर तो जीरो हो जाएगा ना, मतलब कोई वैल्यू नहीं. तो इसीलिए इंटरवल स्केल में मल्टीप्लीकेशन डिविजन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप कोई आंसर नहीं निकाल सकते हो इसमें. अगर हम मल्टीप्लीकेशन डिविजन करें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. तो इंटरवल स्केल में ना मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ना डिविजन हो सकता है. इंटरवल स्केल में सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है. रेशियो स्केल में सारे के सारे कैलकुलेशंस हो सकते हैं. ठीक है, यस. हाँ जी, नॉट डिफाइंड, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट. सो बताएंगे मुझे, आपको समझ में आ गया रेशियो स्केल में हम क्या कर सकते हैं. मैं जूम कर दे रही हूं फिर से, जिनको नहीं दिख रहा है, हैव अ लुक. जीरो इज देयर, फिक्स जीरो इज देयर इन योर रेशियो स्केल. रेशियो स्केल में सारे कैलकुलेशंस हो सकते हैं, लाइक यू हैव एडिशन, यू हैव डिविजन, यू हैव मल्टीप्लीकेशन एक्सेट्रा. वेर एज इन इंटरवल स्केल आप सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. मैं थोड़ा सा इसको फ्रेम में ला देती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज एग्जाम्स में हमें इस तरह के क्वेश्चंस कई बार ही पूछ लिए जाते हैं. सो गो अहेड एंड टेक द स्क्रीनशॉट. सब कुछ, ऑल द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस इन योर रेशियो स्केल. यस एग्जैक्टली. ओके डन. सो नाउ
नाउ लेट्स डू फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटीट्यूडनल स्केल से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे इंग्लिश में, देन वी विल सी दिस क्वेश्चन इन हिंदी एज वेल. ओके प्लीज प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल गो एंड वी विल सी योर एटीट्यूडनल स्केल. डिस्क्रीट क्या है? डिस्क्रीट डेटा होता है. ओके लेट्स सी द क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो. हिंदी में भी देख के मुझे जल्दी से आंसर करेंगे. सांकेतिक, क्रम सूचक, अंतराल और हिस्सा. ओके बिल्कुल. यस एब्सोल्यूटली राइट एवरीबॉडी. सो सब सब बोल रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग जी एंड यस जी इज द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर. सो वापस से ठीक है. सो बिल्कुल नॉमिनल स्केल क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ क्लासीफाई करता है. ऑर्डिनल स्केल ऑर्डर भी प्रोवाइड करता है. इंटरवल स्केल क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट्स, वेयर एज रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो होता है. सो हर बार हम इस क्वेश्चन को, हो सकता है हमने कई बार इस क्वेश्चन को किया हो, लेकिन आज हम इसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं. वेरी गुड एवरीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द डेटा क्लासिफिकेशन इज ट्रू. डेटा वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Okay, so many of you are saying it will be C, many of you are saying that it will be D. The correct answer everybody is D. इस question को मैं थोड़ा सा explain करती हूँ. Ratio and nominal data are qualitative in nature. Qualitative क्या होता है? हम सब जानते हैं qualitative मतलब जहाँ numbers involved नहीं होते हैं. Whereas ratio scale and the nominal scale is the quantitative scale. इसमें नंबर्स होते हैं ठीक है. इंटरवल एंड ऑर्डिनल क्वांटिटेटिव नहीं होता है. अगर हम ऑर्डिनल की बात करें ठीक है, तो अगर हम ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल है कैटेगरीज में डिवाइड करना, बिलो एवरेज अबव एवरेज. सो यहाँ नंबर्स ऑर्डर में तो अरेंज होते हैं लेकिन ये क्वांटिटेटिव नहीं होता है. सो इंटरवल क्वांटिटेटिव है, ऑर्डिनल क्वांटिटेटिव नहीं है. Ratio and interval scale are quantitative in nature, which is right. Ordinal and nominal are qualitative in nature, right. Ordinal and nominal को हम categorical data भी बोलते हैं.
categorical data, one more takeaway, very very important takeaway is that ratio and interval scale use hote hain parametric test mein. Bahut important hai ye concept, parametric test, whereas your ordinal and nominal is used in your non parametric test. Theek hai? So ordinal and nominal is used in a non-parametric test, whereas ratio and interval are used in a parametric test. ठीक है? Percentages calculate कर सकते हो आप. आप nominal में भी तो आप percentage calculate करते हो, but nominal numbers थोड़ी नहीं हो गया. देखें, अगर मैं बोलूं कि मैंने data collect किया है male female, what is your gender? Male. What is your gender? Female. इस तरह से डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया है. सो मेरे पास कितने डेटा आ गए? मेरे पास मेल कैटेगरी के डेटा आ गए. दिस इज माई मेल कैटेगरी, ये मेरी फीमेल कैटेगरी हो गई. क्या अब मैं ये बता सकती हूँ कितने परसेंटेज मेल हैं और कितने परसेंटेज फीमेल हैं पॉपुलेशन में? यस. क्या आप ये बता सकते हो कितने बच्चों ने बेटर परफॉर्म किया है, कितने बच्चों के कितने बच्चों ने अबव एवरेज परफॉर्म किया है या कितने बच्चों ने बिलो एवरेज परफॉर्म किया है? यस, बता सकते हो. तो ये आपका नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, परसेंटेज जरूर आपको बता सकता है, लेकिन ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, वेयर एज रेशियो स्केल एंड इंटरवल स्केल इज क्वांटिटेटिव इन नेचर. हाँ जी बिल्कुल, नॉमिनल भी तो क्वालिटेटिव इन नेचर ही है. डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल बोथ आर क्वालिटेटिव, रेशियो एंड इंटरवल इज क्वांटिटेटिव इन नेचर. इस बात को ध्यान से आप, हाँ जी, क्वेश्चन है कौन सा डेटा कौन सा क्लासिफिकेशन ट्रू है. सो ये दो क्लासिफिकेशन ट्रू नहीं है. रेशियो और इंटरवल स्केल क्वांटिटेटिव होता है एंड ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल क्वालिटेटिव इन नेचर डेटा होता है. ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? यस. अच्छा, अनदर थिंग जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल यूज होता है पैरामेट्रिक टेस्ट में, whereas ordinal and nominal is used in a non-parametric test. ठीक है, okay, very very good. Next, now so first of all टेक द स्क्रीन शॉट. अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लें, मैं जूम कर देती हूँ और फिर हम चलेंगे एटीट्यूडनल स्केल, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स गो बैक एंड स्टडी योर एटीट्यूडनल स्केल. ओके, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, काफी वो लेंदी सा आपका कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसको हम बाद में देखेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट योर एटीट्यूडनल स्केल और व्यवहार पैमाना. ठीक है, सो ये एटीट्यूडनल स्केल क्या है, जब आपको एटीट्यूड मेजर करना होता है. ठीक है, जब आपको एटीट्यूड मेजर करना होता है अपने पार्टिसिपेंट्स का, सो आप एटीट्यूडनल स्केल यूज करते हो. जब आपको अपने सब्जेक्ट्स का एटीट्यूड मेजर करना होता है तो आप एटीट्यूडनल स्केल यूज करते हो ना. व्हाट इज योर एटीट्यूडनल स्केल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूडनल स्केल्स क्या क्या हैं? सो द वेरियस एटीट्यूडनल स्केल इज योर लिकर्ट स्केल, देन यू हैव थर्स्टन स्केल, एंड द लास्ट वन इज योर गटमैन स्केल.
So we have three attitudinal scale. तीन attitudinal scales क्या हैं? तीन attitudinal scales हैं Likert, Thurston and Gutman. ठीक है, आ रहा है समझ में? Attitudinal scale कब use होती है? Attitudinal scale use होती है अपने variables के, अपने just a moment students. ओके, यस, एटीट्यूडनल स्केल की बात करेंगे जल्दी से. सो एटीट्यूडनल स्केल इज यूज टू मेजर द एटीट्यूड. देखिए, जब आपका कुछ इस तरह का था कि आपको रिसर्च करनी है कि पार्टिसिपेंट्स मेल हैं फीमेल हैं, आपको कैटेगरीज में डिवाइड करना है, आपको टेम्परेचर मेजर करना है, आपको मार्क्स मेजर करना है, तो आप कौन सी स्केल्स का यूज करते हो? तब आप वेरिएबल स्केल्स का यूज करते हो. बट अगर आपको पर्सन के एटीट्यूड को मेजर करना है, लाइक मुझे रिसर्च करनी है कि ग्रेड अप से आप कितना खुश हो, मुझे ग्रेड अप के प्रति आपके एटीट्यूड को मेजर करना है, तो मैं एटीट्यूडनल स्केल्स को यूज करूंगी. Now, what are the various attitudinal scales used in research? The various attitudinal scales used in research is Likert scale, Thurston scale, and Gutman scale. ठीक, तीन scales होती हैं. सबसे पहले हम Likert scale की बात करेंगे. Very very easy scale Likert scale is. Okay, so Likert scale is nothing but a rating scale. Likert scale क्या है? Rating scale है. It is a summated rating scale. It is the easiest scale to calculate based on the assumption that each items on the scale has equal attitudinal value, importance or weight. The respondents may have different attitudes towards the different aspects. So talking about Likert scale, ये कुछ भी नहीं है, ये एक rating scale है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. ये summated rating scale इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग variables को, यहाँ पर simple एक single rating scale नहीं होती, जैसे swiggy पे आपको मिलता है कि आपको order कैसा लगा, 5 stars में से आपको बताना होता है कि ऑर्डर कैसा लगा. अगर आप मुझे ग्रेड अप पे देख रहे हो तो ग्रेड अप पे भी आपको क्लास के बाद स्टार्स के ऑप्शंस मिलेंगे जिसके थ्रू आप मुझे रेट कर सकते हो. ये एक सिंपल रेटिंग स्केल है. लेकिन Likert स्केल एक समेटेड रेटिंग स्केल होती है. व्हाट इज अ समेटेड रेटिंग स्केल? जहां पर आपको वेरियस आइटम्स दिए होते हैं एंड उन आइटम्स के ऊपर आपको उन अलग अलग डिफरेंट आइटम्स को आपको रेट करना होता है. सो इट इज नथिंग बट अ रेटिंग स्केल वेर यू रेट योर एटीट्यूड. कि परचेज से आप कितना खुश हो, कितना खुश नहीं हो, सर्विस से आप कितना खुश हो, कितना खुश नहीं हो, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस से आप कितना खुश हो, कितना खुश नहीं हो. दिस इज अ Likert स्केल. ऑल क्लियर एवरीबॉडी? यस, ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज Thurston स्केल. सो अगर मैं Likert स्केल की बात करूं, सो Likert स्केल में मतलब ये है कि आप सिर्फ बता सकते हो वेरी सैटिस्फाइड हो, वेरी अनसैटिस्फाइड हो, न्यूट्रल हो, क्या हो, आप सिर्फ यहां पर इतना ही बता सकते हो. ठीक है, बट Thurston स्केल की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसे रेट नहीं देना है कि फिक्स्ड कैटेगरी है, वन बोलो मतलब वेरी सैटिस्फाइड बोलो, अनसैटिस्फाइड बोलो. बट Thurston स्केल में आप अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग वेट असाइन कर सकते हो. सो यू कैन असाइन वेटेजेस टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स लाइक आर यू विलिंग टू डू दैट, आर यू नॉट विलिंग टू डू दैट. मतलब जो भी आपकी एटीट्यूड है टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर आइटम, यू कैन असाइन वेट इजिली. सो आप वेट इजिली असाइन कर सकते हो. बफरिंग, इट्स नॉट बफरिंग फ्रॉम माई साइड, प्लीज रिफ्रेश एक बार कर लें. मैं वीडियो तो कुछ देर के लिए बंद कर लेती हूँ. ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको मुझे मेरी क्वालिटी को रेट करना है. मेरी क्वालिटी मतलब मेरी टीचिंग आपको कैसी लगती है, मेरा सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में आप क्या बोलोगे, और मेरे टीचिंग स्टाइल, चलो यहीं पर हो गया. मैं एक कर लेती हूँ, एबिलिटी टू सॉल्व योर डाउट्स या विलिंगनेस टू सॉल्व योर डाउट्स. एबिलिटी टू सॉल्व डाउट्स. नाउ ये तीन चीजें हैं
मैं आपको बोलूं कि आप रेट कर लो तो आपके पास बस ऑप्शन है, या तो वेरी सैटिस्फाइड या सैटिस्फाइड अनसैटिस्फाइड, ऐसे मुझे बता पाओगे। लेकिन यही अगर मैं थर्स्टन स्केल से डिसाइड करूं, डिजाइन करूं, तो मैं बोलूंगी मेरी टीचिंग स्किल्स, मेरे टीचिंग सब्जेक्ट नॉलेज एंड विलिंगनेस टू सॉल्व प्रॉब्लम। मैं आपकी सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितनी इच्छुक हूं। आप मुझे 5 में से वेट दो तो आप 1 दे सकते हो, 1.5 दे सकते हो, 2.5 दे सकते हो। तो यहां पर आप ईच एंड एवरी यस आप अपनी अपनी सारे आइटम्स को वेट्स असाइन करोगे। सो यू दिस असाइन्स वेट टू डिफरेंट स्टेटमेंट। तो एक हो गया लिकर्ट, जहां पर आप डायरेक्टली रेट कर देते हो। थर्स्टन स्केल में आप हर आइटम को वेट असाइन करते हो, एंड एंड में सारे स्टेटमेंट्स का जो भी वेट है, भार है, उसके अनुसार आप अपना एक स्कोर कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो समझ में आ गया सभी को थर्स्टन स्केल? थर्स्टन स्केल में वेट असाइन करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इज योर गटमैन स्केल। सो अगर आप सभी को क्लियर हो गया है यहां तक, तो वी विल गो अहेड। ओके जी, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब हम गटमैन स्केल की बात करेंगे। गटमैन स्केल इज डिजाइन इन सच अ वे, गटमैन स्केल इस तरह से इस अनुसार डिजाइन होती है कि आइटम एक ऑर्डर में होते हैं। अगर आप बोलोगे मैं स्टेटमेंट 3 से अग्री कर रही हूँ, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट आप स्टेटमेंट 2 से भी अग्री कर रहे हो, स्टेटमेंट 1 से भी अग्री कर रहे हो। अगर आप बोलोगे मैं स्टेटमेंट 4 से अग्री कर रहा हूँ, मतलब आप इसके पीछे की, इसके नीचे वाली सारी स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हो। सो गटमैन स्केल में आइटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं, आइटम्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट अग्रीमेंट विद अ पर्टिकुलर आइटम, यू अग्री विद द लोअर रैंक ऑर्डर। एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पर कि अगर आप बोलोगे लाइक ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आई एम विलिंग टू बी नियर आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम के पास होना चाहता हूँ। आई एम विलिंग टू स्मेल आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम सूंघना चाहता हूँ। आई एम विलिंग टू ईट आइसक्रीम एंड आई लव आइसक्रीम। अगर आपने बोला मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, आप बोल रहे हो मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, आप आइसक्रीम खाना चाहते हो, उसका मतलब आइसक्रीम सूंघना भी चाहते हो, आइसक्रीम के पास भी होना चाहते हो। इसी तरह से अगर आप बोलोगे कि आई लव योर टीचिंग स्टाइल, इसका मतलब है कि आई लव टू अटेंड योर क्लास, I like to learn from you, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। I like to learn from you, मुझे पसंद है आपसे सीखना। सो अगर आप इससे अग्री करोगे कि आई लव योर टीचिंग स्टाइल, इसका मतलब है आप मेरे क्लासेस को भी अटेंड करना चाहते हो, आप मुझसे सीखना भी चाहते हो। तो गटमैन स्केल में आइटम्स कुछ इसी तरह से इसी अनुसार अरेंज होते हैं कि अगर आप एक आइटम से अग्री कर रहे हो तो यू आर अग्रींग विद द लोअर रैंक आइटम्स एज वेल। एनी कन्फ्यूजन एनीबॉडी? ठीक है, एनी कन्फ्यूजन? It's clear? Okay. So yes, everybody, that was all from my end to make all the scales clear to all of you. And we have already done these questions. So that was all from my end. Hope you have enjoyed as well as aaj aapke sare concepts clear ho gaye hain. Theek hai. अच्छा, गटमैन में रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपके सारे सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं स्केल के क्लियर हो गए होंगे। गटमैन स्केल एक बार और देखें आप, तो ये एक एटीट्यूडनल स्केल है। दिस इज अगेन एन एटीट्यूडनल स्केल जिसमें आइटम्स अरेंज्ड होते हैं। हम गटमैन स्केल को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि अगर आप किसी भी एक से अग्री करते हो, लाइक अगर आप सेकेंड वाले से अग्री कर गए तो आप फर्स्ट वाले से अग्री कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट आप उससे अग्री कर रहे हो। ये स्केल कुछ इसी तरह से बनाई ही जाती है कि वन आइटम से अग्री करना मतलब पीछे के सारे आइटम से अग्री करना। इसी तरह से अगर आप बोलो आई लाइक
बुक्स इसको कुछ इस तरह से होना चाहिए. वन नंबर आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है लाइब्रेरी जाना. आई लव बुक्स. अगर आप बोलोगे मैं बुक्स पसंद करती हूँ, मैं मुझे बुक्स बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब लाइब्रेरी भी जाना चाहते हो, बुक्स भी पढ़ना चाहते हो. सो गटमैन स्केल इज बेसिकली अरेंज्ड इन सच अ वे द आइटम्स आर सो अरेंज इन गटमैन स्केल दैट इफ यू अग्री विद वन आइटम यू आर बाय डिफॉल्ट अग्रीइंग विद द लोअर रैंक ऑर्डर एज वेल. ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल चलें. सो December 2020 का बैच कब शुरू हो रहा है? सारे बैचेस शुरू हो गए हैं. सो फॉर द बैचेस आप चेक कर सकते हो, ग्रेड अप ऐप डाउनलोड कर लें एंड ऑल द बैचेस आर रनिंग. प्लीज चेक इट ऑन द ग्रेड अप ऐप. ऑल्सो डू सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल फाइंड इंपॉर्टेंट PDFs एंड इंपॉर्टेंट क्लास लिंक्स ऑल्सो. ठीक है, एंड ऑल्सो डू रिमेम्बर डू नोट दैट मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च हो गया है इन विच आई सौरभ पुरी सर एंड वैभव सर इज टीचिंग. ऑल्सो इंग्लिश लिटरेचर कोर्स हैज बीन लॉन्च ऑन ग्रेड अप ऐप अलॉन्ग विथ कॉमर्स अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन कॉमर्स सॉरी कंप्यूटर ज्योग्राफी एंड यस ऑल दीज कोर्सेज आर लाइव ऑन ग्रेड अप प्लेटफॉर्म. प्लीज डू चेक आउट आर कोर्सेज एज वेल एज प्लीज डाउनलोड द ग्रेड अप ऐप फॉर ऑल द फ्री क्विजेज फ्री प्रीवियस ईयर पेपर एंड फ्री मॉक्स. सो प्लीज गो एंड डू ज्वाइन द ग्रेड अप ऐप एंड बिकम अ ग्रेडियन. चले, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. विल मीट यू ऑल सून ऑन मंडे. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप रिवाइजिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट और डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू कैन लीव योर फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स एज वेल एज इन द फीडबैक शीट विच इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक शीट अटैच है जहां पर आप मेरे साथ अपने सजेशंस को फीडबैक्स को शेयर कर सकते हैं. वी विल श्योरली कम आउट विथ योर फीडबैक्स एंड विल ऑल्सो कम विथ योर सजेशंस. चलें, थैंक यू सो मच. नो द टेलीग्राम चैनल इज ऑफ ग्रेड अप एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन द ऐप. ऐप पे आप मेरी प्रोफाइल में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं. चलें, थैंक यू सो मच. विल मीट यू ऑल. टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय एंड टेक केयर.